फ्रॉम सिक्स क्लास। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जिसके लिए मैंने 3 गिलास लिए और उनमें हाफ गिलास वाटर भरा है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले मैं नमक डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं चीनी डाल रहा हूँ। फिर मैंने मिट्टी डाला। तो अब हम इसको 5-10 मिनट के बाद देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो देखिए, अब हमारा सॉल्ट भी वाटर में डिजॉल्व हो चुका है और हमारी शुगर भी वाटर में डिजॉल्व हो चुकी है। पर हम देखेंगे जो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि सॉल्ट की लेयर नीचे लग जाती है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे सॉइल नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। थैंक यू।